हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गोपी पंडित आप लोगों का क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का सॉल्यूशन मैंने बताया था, और आप लोग बोले थे कि सर 10th नंबर क्वेश्चन से जितना भी अबव है 12 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन ये बता दीजिए। तो आज मैं उसी में से एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत थोड़ा लंबा और ज्यादा बना हुआ है, और इसीलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है वो पहले समझिए। आपका क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, जो सड़क हम लोग जिसपे चलते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ रहती है, कुछ ना कुछ चौड़ाई रहती है, कुछ ना कुछ उसकी मोटाई भी रहती है। तो वही आपका बोल रहा है कि एक सड़क जो है, सड़क की चौड़ाई आपका 80 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे आपका सैंपल, एक जो आपका जो रियल फिगर जो आपका यहाँ पे दर्शा दिया मैंने, और इसी के तौर पे एक मैं आपको समझाने के लिए एक सैंपल फिगर आपको दर्शा रहा हूँ छोटा सा। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सबसे पहले किसकी चर्चा की है, सड़क की। तो सबसे पहले हम सड़क छापेंगे। देखिए, ये मेरा क्या हो गया, सड़क हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए। देखिए, दोनों ओर मतलब जिसको बोलेगा पहला छोर, इसका दूसरा छोर, दो छोर हो गया आपका। तो दोनों ओर जो है खंभे लगे हुए, और खंभे की एक विशेषता बता रही है कि जो दोनों खंभे लगे हुए दोनों आपस में बराबर है। अगर कहीं सपोज मैं कहता हूं कि अगर एक खंभे की एक खंभे की ऊंचाई जो है 5 मीटर है, तो दूसरे खंभे की भी ऊंचाई 5 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि आपका बोला कि दोनों खंभे जो है आपस में क्या है, देखिए यहाँ पे समान है, दोनों खंभे की ऊंचाई क्या आपका समान है। तो एक रहते पहला खंभा, ये मेरा हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, दूसरा खंभा। हम क्या कहेंगे, दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है, बराबर है। अब खंभे का नाम रख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि ये मेरा खंभा है। तो पहला खंभा को बोलते हैं ए बी, दूसरा खंभा को बोलते हैं सी डी। और अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब खंभा का नाम लिखे हैं तो सड़क का भी नाम आ गया। सड़क की चौड़ाई को क्या बोलेंगे हम, बी से लेकर के डी, तो बी डी सड़क की चौड़ाई आपका हो गया। ए बी बराबर सी डी, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों खंभे की ऊंचाई क्या आपका बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, आपका क्या बोल रहा है सो, आपका बोला इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, जैसे जो आपका सड़क है उस पे कहीं भी एक बिंदु आपका लेने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका जो सड़क हो गया, सड़क की चौड़ाई जो आपका हो गया बीडी, उसमें से कहीं एक बिंदु लेंगे हम। तो बिंदु यहां पे ले लिए ए बी सी डी, डी तक काम हुआ है, तो आपका एक बिंदु ले लिया हम ई। आप पी भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं, एम एन आर कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक बिंदु ले लिया, बिंदु लेने के लिए बोला था। अब आपका नेक्स्ट में बोला है कि खंभे के शिखर से उनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। पहला उनियन कोण कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद में उसका वेरिएबल और कितना डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो पहला उनियन कोण हम 60 डिग्री देते हैं, कहां से, जहां से हम एक बिंदु लिए थे। तो ई बिंदु से सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था, तो ये हम ले लिए। अब इसका क्या हो गया आपका 60 डिग्री, और दूसरा का क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि सड़क पर हुआ जो बिंदु था, उस बिंदु से शिखर का उनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो उस बिंदु से शिखर, खंभे के शिखर, पहला कोण 60 डिग्री से कि शिखर कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री, इतना हो गया। अब क्या बोला आपका कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी याद कीजिए। फाइंड आउट जो हम लोग को करने के लिए बोला, याद करने के लिए बोला इस क्वेश्चन में, बोला आपका ये जो खंभा है, आपका ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, और यहाँ जो हम बिंदु लिए थे इस बिंदु से खंभे की दूरी क्या होगी, ये हम लोग को क्या करने के लिए बोला, ज्ञात करने के लिए बोला। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपका बोला था कि सड़क की चौड़ाई जो है आपका 80 मीटर है। तो ये आपका सड़क की चौड़ाई क्या होगा, बीडी। तो हम लिखेंगे, मान लिया कि बीडी जो है आपका सड़क की चौड़ाई है, और बीडी बराबर कितना मीटर, 80 मीटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब मेरा ट्रायंगल बन रहा था, त्रिभुज बन रहा था, त्रिभुज ए बी ई, जब यह त्रिभुज मेरा बना है तो इसको, ये मेरा जो लंब है उसको हम क्या बोल रहे हैं, खंभा बोल रहे हैं। और आधार का मान कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ आधार का मान। जब मेरा आधार का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम क्या किए, जब आपका मीटर में था तो इसको हम एक्स मीटर मान लिए, कुछ नहीं दिया हुआ था तो मान लिया उसको। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी को हम एक्स मीटर माने तो मेरा डी निकल जाएगा। डी कैसे निकलेगा, पूरा बड़ा मेरा दिया हुआ, हम जानते हैं अगर कहीं जब दो भाग में से, जब पूरा संपूर्ण भाग का मान दिया हुआ है, और संपूर्ण भाग को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें से एक पार्ट्स का मान दिया हुआ रहता है, तो दूसरा पार्ट्स निकालते कैसे हैं, बड़ा में से क्या घटा देते हैं, छोटा घटा देते हैं। तो संपूर्ण पार्ट्स का मान दिया हुआ था 80 मीटर, उसमें से छोटा दिया हुआ था आपका x मीटर। अब उसमें से एक पार्ट का मान बड़ा में से क्या घटा देंगे, छोटा। तो बड़ा मेरा कितना था, 80 मीटर, छोटा मेरा कितना माने थे, x मीटर।
तो 80 माइनस एक्स आपका हो गया, देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम, तो ये आपका मान हो गया 80 माइनस एक्स, ये आपका फिगर कंप्लीट हुआ, फिगर समझा दिया हम यहाँ पे। अब यहाँ बड़ा फिगर देख सकते हैं आप, उसके बाद जो जो माने सबसे पहले हम क्या माने थे, खंभा माने थे, खंभा किसको माने थे, ए बी को, और दूसरा किसको माने थे, सी डी को। तो वही लिखे, मान लिया कि ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई वाले खंभे हैं, दोनों की लंबाई क्या आपका समान है, और आपके साथ ही साथ जो आपका सड़क की चौड़ाई किसको बोल रहे हैं हम, बी से लेकर के डी तक, तो ये आपका सड़क की चौड़ाई आपका हो जाएगा। तो वही लिखे बी डी जो है आपका क्या है, सड़क की चौड़ाई है। बी डी का मान आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ पे बी डी किसको बोल रहे हैं, सड़क की चौड़ाई को, तो सड़क की चौड़ाई आपका 80 मीटर दिया हुआ है, तो बी डी इज इक्वल टू 80 मीटर हो गया आपका। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन में जो है सड़क पर वह बिंदु, जो सड़क जो मेरा था उस पर एक बिंदु लिए थे हम, तो सड़क पर एक बिंदु ले लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेट किया हुआ आपका ई बिंदु लिए हैं, तो वही लिखे हैं, साथ ही सड़क पर वह बिंदु मेरा क्या है, ई है। जो सड़क पर आपका बिंदु था वो क्या था आपका, ई था। अब जब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो डायग्राम, छोटा डायग्राम के रूप में जो भी आपको समझाया था, क्या समझाया था, छोटा भाग मेरा था उसको एक्स मीटर माने थे, तो छोटा भाग आपका क्या है बी, तो बी बराबर एक्स मीटर क्या किया हम माने, तो वही लिखे माना। अब डी बराबर जो आपका हो जाएगा, डी का फॉर्मूला क्या बताया था, बड़ा में से क्या घटा देंगे छोटा, बड़ा मेरा कितना 80, छोटा मेरा कितना x, तो बड़ा मेरा 80 माइनस एक्स घटा दिया, 80 माइनस एक्स मीटर। अब यहाँ पे क्या किए कि ये जो हम जो फिगर बनाए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो पार्ट्स में ट्रायंगल मेरा बटा हुआ है, एक ट्रायंगल का नाम है, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम है त्रिभुज ए बी ई, दूसरा पार्ट्स का नाम है सी डी ई। तो पहला त्रिभुज में हम चलते हैं, तो आप समकोण त्रिभुज ए बी ई में टेन थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो टेन थीटा जब लिए तो उसका क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आपका लंब मेरा क्या है, खंभा जिसको हम बोल रहे हैं ए बी, तो ए बी का ए बी और आधार आपका क्या है बी, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/1 इज इक्वल टू ए बी, ए बी का ए बी और बी को माने आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी बराबर क्या माना था एक्स मीटर, क्या किए थे माने थे, तो बी का जगह पर हम एक्स रख दिए। अब यहाँ से क्या कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए बी एक ए बी और रूट 3 और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो रूट 3x, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये भाग कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में चलते हैं आपका, सेकंड पार्ट आपका था सी डी ई, तो वही लिखे पुनः समकोण त्रिभुज सी डी ई में, तो टेन थीटा का मान आप देख सकते हैं वेरिएबल हो गया 60 डिग्री से 30 डिग्री आपका हो गया, तो टेन थीटा का मान आपका कितना डिग्री 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बटे डी, इट मीन्स लंब बटे आधार, सी डी बटे डी इट मीन्स लंब बटे आधार, तो टेन 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 इज इक्वल टू सी डी, सी डी का मान कुछ नहीं इट मीन्स खंबा, तो सी डी का सी डी बटे डी का मान हम निकाले 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो रूट थ्री और सीडी को मल्टीप्लाई किया, रूट थ्री सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 80 माइनस एक्स, रूट थ्री का रूट थ्री, सी डी को हम क्या कह रहे हैं, सी डी मेरा क्या है खंभा है, तो ये जो खंभा है सी डी जो मेरा खंभा है वो किसके बराबर है, ए बी वाले खंभे के बराबर है, इट मीन्स हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ए बी जो बराबर है किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो आप देख सकते हैं पिछला पार्ट में जो है ए बी का मान निकाले, इट मीन्स खंभे की मान निकाले, तो भाई सी डी के जगह पे हम ए बी का मान रखेंगे, क्यों, क्योंकि ए बी जो बराबर है सी डी के बराबर है, तो सी डी के जगह पे हम रख दिए रूट थ्री एक्स, क्यों याद दे दिए, चूंकि ए बी बराबर सी डी तो ए बी का मान रूट थ्री एक्स, तो वही रख दिए रूट थ्री एक्स बराबर 80 माइनस एक्स, रूट थ्री और रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया आपका क्या हो जाएगा 3, साथ में एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स मेरा इधर उठा करके ले आया 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 80, अब इसको काट दिए एक्स का मान कितना गया 20 मीटर, एक्स का मान निकल गया। क्वेश्चन में आपको क्या क्या बोला सो ध्यान दीजिएगा, पहला बोला था खंभे की ऊंचाई और दूसरा बोला था खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, जो आपका खंभा है और जो बिंदु हम लिए उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसकी दूरी हम क्या बोल रहे हैं डी ई, तो वही लिखे इसीलिए डी बराबर क्या मान निकाले, देखिए आप यहाँ पे डी का मान क्या निकाले 80 माइनस एक्स, तो 80 का 80 माइनस एक्स का मान कितना निकाले आप देखिए 20, तो 80 में से 20 है कितना बैठेगा 60 मीटर आपका बन गया। अब पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट आपका बोला क्या ज्ञात करने के लिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो खंभे की ऊंचाई वही लिखे अतः खंभे की ऊंचाई किसको किसको बोल रहे हैं, एक ए बी को बोल रहे हैं और दूसरा सी डी को बोल रहे हैं, जो दोनों का दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो खंभे की ऊंचाई इज इक्वल टू ए बी बराबर सी डी बराबर, तो ए बी का मान कितना निकाला रूट थ्री एक्स, तो रूट थ्री एक्स आपका हो गया, तो रूट थ्री का रूट थ्री और एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, एक्स का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का मान कितना निकला है 20 मीटर,
तो रूट थ्री का रूट थ्री इंटू एक्स का वैल्यू आपका जो निकला 20 और रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये हो गया 20√3 मीटर। जो आपका क्वेश्चन है बोला था कि सर जो आपका क्वेश्चन है बोला था कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो खंभे की ऊंचाई जो आपका निकला 20√3 मीटर बोला। और दूसरा जो आपका बोला था क्वेश्चन में कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो खंभों से बीच की दूरी है, जो सड़क पर हम बिंदु लिए थे, तो उसका निकला आपका 60 मीटर। ये मेरा आपका आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हुआ। और आप जो बोले क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये आपका जो है नेक्स्ट डे आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। और आज ये मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। थैंक यू।